हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल आपको मिलेगी कि किस तरह से आपको पैन कार्ड को डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल में पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड, सिंपल सा आपको काम करना है, आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जो है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। तो यहाँ से आपको गूगल में आ जाना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से गूगल में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है TINNSDL। जब फ्रेंड्स आप यहां पर सर्च करेंगे TINNSDL तो कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन, और यहां पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट दिख रही है आपको www.tin.nsdl.com, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर जो है कि कुछ कंटिन्यू के लिए यह पूछ रहा है, तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो दो तीन ऑप्शन देगा, इसको आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आपको पैन कार्ड को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। जब फ्रेंड्स आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्विक लिंक्स का ऑप्शन। तो क्विक लिंक्स के ऑप्शन के आगे आप देखेंगे तो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तीन से चार ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला आपको मिलेगा कि आधार पैन लिंकिंग, उसके बाद आपको मिल जाएगा कि ऑनलाइन पैन सर्विसेज, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि पैन न्यू फैसिलिटीज, और उसके नीचे देखेंगे तो मिलेगा आपको कि टैक्स पेमेंट क्विक लिंक्स। तो यहां से आपको क्या करना है कि जो तीसरा ऑप्शन है पैन न्यू फैसिलिटीज, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको चार से पाँच ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से जो चौथे नंबर पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, डाउनलोड ई पैन XML पैन अलॉटेड पीरियड टू 30 डे, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि सबसे ऊपर ही लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर ई पैन कार्ड। तो यहाँ से जो है कि आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो पैन कार्ड आप डाउनलोड करते हैं इसके कुछ चार्जेज लगते हैं, तो उसी के बारे में यह इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप पैन कार्ड को डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए चार्जेज भी दिया गया है कि 8.26 जो है कि रुपये आपके चार्जेज लगेंगे पैन कार्ड डाउनलोड करने के। तो यहाँ से आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पैन नंबर भरना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पैन नंबर भर दीजिए, फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो दिया गया है कि आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर भर देना है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो दिया गया है कि मंथ ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देनी है आपको। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि दिया गया है GSTN, तो यह ऑप्शनल है, इसको आप चाहें तो भर सकते हैं और नहीं चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो फिर उसके नीचे आपको आना है, और वहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यह लिखा गया है कि आई अंडरस्टैंड दैट माई, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है कि इस पर ट्रिक का निशान लगा देना है, उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। जब फ्रेंड्स यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आपको कैप्चा भर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जब आप इतना करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। जो भी मोबाइल नंबर आपका पैन कार्ड से रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगी, आपको OTP डालना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट कर देना है, और जो आधार कार्ड आपका है वह डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर
कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।